खाने का सिद्धांत और गुंथन का सिद्धांत या निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत डेमलर कंपनी के वाद में आया। इसका मतलब ये हुआ कि जब लीगल पर्सनालिटी पढ़ाई जाएगी तो आपका बच्चा है कि नहीं व्यक्ति, पशु है कि नहीं, मृत व्यक्ति है कि नहीं, मृत व्यक्ति है कि नहीं, इसके बाद आपका मूर्ति है कि नहीं, मस्जिद है कि नहीं, गुरुद्वारा है कि नहीं, यही सब पढ़ना है कि क्या ये लोग अपने नाम से मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो मस्जिद पर लीगल पर्सनालिटी नहीं रखती लेकिन मूर्ति रखती, क्योंकि अभी आपने अयोध्या मामले में भी देखा कि राम लला विराजमान ने आपका मुकदमा किया था और उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया निर्णय, यानी कि मूर्ति लीगल पर्सनालिटी रखती है कि नहीं, अपने नाम से मुकदमा कर सकती है कि नहीं, कर सकती क्यों कर सकते हैं क्यों नहीं, वह केस सही पढ़ना है आपको, दो तीन केस पढ़ना पड़ेगा जिसमें कि मस्जिद को नहीं माना गया लीगल पर्सन और मूर्ति को क्या किया गया माना गया, गुरुद्वारे को माना गया, मृत व्यक्ति क्या होगा, बच्चे क्या होंगे, पशु क्या होगा और गर्भ में शिशु है वह क्या होगा, क्या वह मुकदमा कर सकता है कि नहीं अपने नाम से, तो तमाम बातें हमें किसमें पढ़नी है, लीगल पर्सनालिटी। तो आपका देखिए ये सामान्य बात है और आपका आज हमने ये बताया मुख्य रूप से कि जुरिस्प्रूडेंस में हमें क्या पढ़ना है। तो फिर एक बार हम बता दें, पांच इस पहले तो लॉ की परिभाषा हम पढ़नी, दूसरा जुरिस्प्रूडेंस की परिभाषा पढ़नी है, वो भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद कितने स्कूल डिटेल में पढ़ने हैं, पांच, और इसके बाद विद के स्रोत कितने, तीन, और इसके बाद कुछ लीगल कॉन्सेप्ट यानी कि विधिक अवधारणाएं, तो विधिक अवधारणाएं में फिर एक बार याद कर लीजिए, स्वामित्व पढ़ना है, कब्जा पढ़ना है, न्याय प्रशासन पढ़ना है, इसके बाद राइट पढ़ना है, ड्यूटी पढ़ना है, लीगल पर्सनालिटी और लाइब्रेरी, इतने चैप्टरों को पढ़ना है। तो कल से आपका मैंने कह सकते हैं कि लिखवा देंगे शॉर्टकट में क्या पढ़ना है, तो 10 मिनट में निपट जाएगा। तो कल से जुरिस्प्रूडेंस में सबसे पहले जुरिस्प्रूडेंस की परिभाषा से हम शुरू करते हैं, परिभाषा, उसके बाद महत्व क्या है, क्या महत्व है। भाई 15 मिनट बाद अभी क्लास चलेगा, भाई केवल एविडेंस चलेगा, कल से भाई आपका मैंने 10:30 बजे 11:30 बजे से काम चूसा लगेगा, आज एविडेंस खत्म हो जाएगा। तो जो नए लोग हैं भाई निकल सकते हैं अपना, कल से बैठना तो बैठे, क्योंकि एविडेंस बीच से मिलेगा, तो जो नए लोग हैं कल से काम चूसा चलेगा तब पढ़ो, 15 मिनट बाद क्लास चलेगा, बीच में ब्रेक नहीं होगा भाई, बीच में एविडेंस में ब्रेक नहीं होगा, भले 1.5-2 घंटा चले, बता दिया था 15 मिनट आप ब्रेक ले लीजिए लेना।